झुंझुनू जेल में बीती रात को 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हार्डकोर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल और सिम जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक जेलों में मोबाइलों की शिकायतें आम हो जाने के बाद जयपुर स्थित जेल महानिदेशालय ने कल रात को करीब 11 बजे एक विशेष टीम डीएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में झुंझुनू भेजी, जहां पर टीम ने पहुंचते ही जेल को खंगालना शुरू किया तो 4 घंटे में एक के बाद एक हार्डकोर अपराधियों के पास मोबाइल और सिम मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं इस दौरान स्थानीय पुलिस जाब्ते की मदद भी ली गई। शहर कोतवाल गोपाल सिंह भी अपनी टीम के साथ जेल में रहे। अब सुबह इस मामले में जेल डीएसपी एमडी पठान से पूछताछ हो रही है, क्योंकि 11 मोबाइल मिलना एक बड़ी बात है और पूरे जेल विभाग में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में उनसे मामले की पूरी जानकारी ली जा रही है। वहीं संभव है कि पठान व अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। बहरहाल मामले की सारी स्थिति स्पष्ट के लिए इंतजार किया जा रहा है। कोतवाली में मोबाइल मिलने के मामले में FIR दर्ज होगी, जिसके बाद सारी स्थितियाँ साफ होगी, लेकिन झुंझुनू जेल के अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ कड़ाई से पूछताछ जारी है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि करीब 3 दिन पहले ही जिला कलेक्टर के निर्देश पर झुंझुनू SDM ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ जेल का औचक निरीक्षण किया था, लेकिन उस वक्त जेल में कुछ नहीं मिला। वहीं 3 दिन बाद ही जब जयपुर की टीम ने निरीक्षण किया है तो 11-11 मोबाइल मिले हैं। ऐसे में जेल प्रबंधन की भूमिका पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही यह भी लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर किया गया निरीक्षण महज खानापूर्ति थी, या फिर उनके निरीक्षण की सूचना लीक होने पर मोबाइल को पहले ही ठिकाने लगा दिया गया, जिसमें जेल प्रबंधन की मिलीभगत हो सकती है। बहरहाल अब इस मामले की भी बारीकी से जांच हो रही है।